सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं एसटीक यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का आप ये वीडियो होने वाला है, मतलब कुछ दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा था तो कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए, लेकिन आज से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है कि मार्केट में बहुत से सारे ऐप, पेमेंट्स ऐप जो है मौजूद है, लेकिन उसमें से हम यूज़ भी करते हैं, कुछ अच्छे भी है, गूगल जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, पेफाल, मतलब बहुत से सारे ऐप जो आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो शाओमी यूजर्स है उनके लिए एक खुशखबरी है, उनको भी एक ऐप जो है वो इनबिल्ड मिल रहा है सॉफ्टवेयर की मदद से। तो क्या कौन सा ऐप है, कब तक मिलेगा और कैसे हमें वो हम उसका जो है फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप वीडियो पर एंड तक बने रहे और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ये सिर्फ जो MIUI लेटेस्ट वर्जन है 10.0.2 उस पे ही रन करता है, मतलब उस पे ही जो फीचर्स दिया गया है शाओमी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, आप अपना मोबाइल अपडेट करके देखिए, अपडेट करने तक मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट आने तक इंतज़ार कीजिए। तो फ्रेंड्स, जिनके पास आ गया है उनको ऐसा यूज़ करना है, मैं आगे इस वीडियो में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए चैनल को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने सेटिंग में जाकर MI अकाउंट में जाना होगा। MI अकाउंट में जाने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आप डायरेक्ट रिडायरेक्ट मी पे के पेज पे आ जाएंगे। उधर आपको 3 जो फंक्शन दिखेंगे दिखेंगे उधर, सेंड मनी, रिसीव, स्कैन एंड पे। नीचे आपको यूटिलिटी सर्विसेज दिखेंगी जो कि रिचार्ज पे बिल्स रहते हैं। बाकी आपको इधर माय एक्टिविटी में आपका जो मोबाइल नंबर है वो फिर से रजिस्टर करना होगा, जो कि मेरा वाला फोन है, मैं इधर से रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। तो रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे ऑलो कर लेना और SMS सेंडिंग होगा आपको एक OTP, तो वो आपको रजिस्टर डायरेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बाद में आप इसे माई एक्टिविटी में अपना मतलब ऐड बैंक में अपने ऐड बैंक कर सकते हो, इधर जितने भी बैंक दिए उतने ऐड कर सकते हो। बाद में आपको मनी मतलब जो बैंक अकाउंट है उससे आप जो फॉरगेट पिन है वो पिन लगा सकते हो, UPI सर्विस का मजा उठा सकते हो। सेंड मनी में आपको जो UPI सर्विस है उसका भी एक सेंड मनी का ऑप्शन रहता है और एक बैंक अकाउंट का ऑप्शन रहता है, उससे भी आप जो है बैंक अकाउंट इधर नंबर डाल के जो है दे सकते हो किसी को भी पैसा। इसी तरह आप रिक्वेस्ट भी मनी कर सकते हो UPI ID की तरफ से, मतलब जो UPI ID रहती है मतलब ऐसे ही कर सकते हो। बाकी आप स्कैन एंड पे का भी ऑप्शन रहता है, हर एक पेमेंट्स में इसी भी पेमेंट्स में आपको मिल जाएगा। यूटिलिटी सर्विस में आपको जो मोबाइल प्रीपेड बिल रहते हैं, बाकी लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, मतलब आपको सारी यूटिलिटी सर्विसेज इधर प्रोवाइड कर दी जाएंगे। जैसे कि देखिए शाओमी की तरफ से बहुत सारे जो मतलब जो सिटी के कोड्स रहते हैं, सिटी के नेम्स रहते हैं, वो भी इधर एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह फ्रेंड्स जो है आप शाओमी मी पे का मजा ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और आप मेरे चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन